असदुद्दीन ओवैसी ने आज पीएम मोदी पर नफरती भाषण का आरोप लगाते हुए दंगे की आशंका जाहिर कर दी, जिसका जवाब उन्हें हैदराबाद से मिला। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने कहा कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जैसे नेताओं का मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमियों के भीतर जहर घोल रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। प्रधानमंत्री जी जो इतनी योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है, बताइए। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में पीएम मोदी पर चुभने वाला हमला बोला तो उन पर उन्हीं की जमीन तेलंगाना के हैदराबाद से जवाबी तीर दागे गए। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी को चुनौती देने उतरी बीजेपी की माधवी लता ने नॉमिनेशन के बाद सीधे ओवैसी से जुबानी हिसाब बराबर किया, हर हमले का सीधा जवाब दिया। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है, वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। ओवैसी ने पहले पीएम मोदी के बयान पर दंगे की आशंका जता दी, इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ गए, पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर डाली। कहा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब ये नफरत के मजाहरे कर रहे हैं। भाई चुनाव खत्म हो जाएगा ना, मगर नफरत तो बढ़ जाएगी। तो अफसोस की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हिटलर की जबान में बात कर रहा है। अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहां जाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।